We'll discuss about the brand called Cartreat. This is a new growing brand into car servicing. It's into doorstep car servicing brand. The name of the brand is Cartreat, and it was launched in 2017. The owner of the brand is Mr. Avinash Singh. He is a young, passionate, and energetic guy. He's the CEO and founder of this brand. Mechanical engineer by qualification. He faced the problem on the way when he was on the way with the family, and there was a big breakdown with his car. So he thought of coming with such kind of brand जिससे बाकी लोगों को कभी वो travel कर रहे हो या उनको किसी तरह की ऐसी help चाहिए हो तो उसमें कभी कोई दिक्कत ना आए. So Mr. Avinash, he did R&D for approximately 1.5 years, and after doing deep study and doing a lot of R&D about this brand, he launched this brand in 2017 with the name called Cartreat. Presently, in a short span of time, he is running almost 6 successive franchise outlets in different locations of India, and 2 have been recently signed out, one in Delhi and one in Jaipur. So let's start with the PPT. I'll give a small brief about the brand. I've already told that this brand was launched in 2017, and the owner of the brand is Mr. Avinash Singh, and it is a 3 years old brand. And as of now, there are 6 to 7 franchises pan India, and the target for the current year is we are planning to open 50 plus franchises pan India. Cartreat concept. This business is all about the doorstep servicing. Is brand ka benefit kya hai? Kyunki aaj ka time aisa hai, not only because of COVID, it is pre, agar COVID se pehle ki bhi baat kare, to log apne time ko कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करना चाहते थे. एज ऑफ नाउ लोगों को अगर कार सर्विस कराने के लिए कहीं जाना पड़ता है तो उनको 4-6 घंटे के लिए या कई बार तो पूरा पूरा दिन लग जाता है वहां पे. सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वेयर यू गेट डोर स्टेप सर्विसिंग एंड यू सेव अप्रोक्सीमेटली 25-30% ऑफ द अमाउंट एज अ क्लाइंट. और आपको वही एक ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पे जो सर्विस मिलती है वो आप अपने सामने सेम टाइप ऑफ सर्विस अपने सामने आंखों के सामने अगर आप कराना चाहें, नहीं तो आपके तो आप दैट इज आल्सो पॉसिबल. अदरवाइज आपकी सोसाइटी में आपके घर के अंदर वो सर्विस करेंगे, एंड वंस द सर्विस इज डन यू कैन कम एंड सी, एंड आप उसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि इट इज एज पर जो स्टैंडर्ड है कि नहीं है. यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि कस्टमर को एक तो घर के अंदर ही वो फैसिलिटी मिलती है, और आपको बीइंग अ फ्रेंचाइजी पार्टनर जो भी है उसके अंदर वी डेवलप अ वैन, जहाँ पे एक वैन डेवलप की जाएगी विद फुल इक्विपमेंट इक्विप्ड मशीन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टूल्स इन दिस विद वन जनरेटर मोटर उसके अंदर, जिसके अंदर 3 KVA का लोड ऑफ मशीन, वो जनरेटर जो है वो 3 KVA तक का लोड जनरेट करता है, और उसके अंदर 300 लीटर तक का पानी भी डालते एक एक 300 लीटर का एक टैंक रखा जाता है जिससे 5-6 मशीन अपना गाड़ियों का सर्विसिंग में वॉशिंग में हेल्प कर सकते हैं. देयर इज अ वैक्यूम क्लीनर आल्सो अंदर गाड़ी को अच्छी तरह से वैक्यूम करने के लिए और अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए. There's a air compressor also, ताकि कोई गाड़ी में हवा चेक करनी है या उसमें कोई टायर पंचर है तो that can also be, उसको भी उसको ठीक किया जा सकता है. यहाँ benefit क्या है, अगर कोई भी as a customer है चाहे वो franchisee partner है,
कस्टमर है तो उसको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बकेट, कोई भी उससे डिमांड नहीं की जाती. मतलब एवरीथिंग इज वेल इक्विप्ड इन द सिस्टम. जो भी वो मोबाइल वैन लेके जाते हैं वहाँ पे कार ट्रीट वाले, इट इज फुली इक्विप्ड. उसके अंदर सारी फैसिलिटीज है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे वाटर से रिलेटेड हो, चाहे उसमें कंप्रेसर की जरूरत हो, चाहे वैक्यूम क्लीनर हो, इट इज वेल इक्विप्ड. और अगर इसको, मैंने पहले भी जैसे बताया, अगर हम उसको एक स्टैंडर्ड, एक कंपनी के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से कंपेयर करते हैं, तो वी आर एज गुड एज कार ट्रीट इज एज गुड एज कंपेयर टू ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, वेदर इट इज ऑफ हुंडई और इट इज ऑफ मारुति और एनी अदर गुड ब्रांड. इसमें बेनिफिट, और जैसे मैंने पहले बताया, इसमें जैसे आज के टाइम में कस्टमर, उसको टाइम बचाना है अपना, बिकॉज टाइम इज मनी. सो आपके, एक तो आपकी सोसाइटी में ही आपने फोन किया एंड देल बी आपको अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छी वाली सर्विस मिलेगी. और 3-4 घंटे जो आपने वहाँ सर्विस सेंटर में जाके या ऑथराइज डीलर के पास जाके आपने जो टाइम लगाना था, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सम अदर वर्क और दैट विल जनरेट एक्स्ट्रा रिवेन्यू टू यू एज अ कस्टमर. और एज ए फ्रेंचाइजी, अगर आप दिन की 4 या 5 सर्विस कर लेते हैं, सो यू मेक रिवेन्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3500 अ डे. तो अप्रॉक्सीमेटली एक दिन के अंदर एक फ्रेंचाइजी पार्टनर अगर बनता है, तो उसको टेंटेटिवली 4-5 गाड़ी की सर्विस करने पे अप्रॉक्सीमेटली 3500 रुपीज तक का रिवेन्यू जनरेट हो जाता है. आई एंड विच इज अ गुड डील, क्योंकि इसके अंदर द इन्वेस्टमेंट इज नॉट सो ह्यूज. प्रेजेंटली एक लो इन्वेस्टमेंट वाला ब्रांड है जिसके अंदर द रिटर्न्स आर हाई एंड मिनिमल रिस्क है. इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो. इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, विच इंक्लूड्स द फ्रेंचाइजी फी ऑल्सो, विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ द वैन ऑल्सो विद ऑल द इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग. द ब्रेकअप, इसका जो ब्रेकअप है 5 लाख का है, वो अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता देता हूँ. वो उसमें से 1.5-2 लाख रुपए की, 1.5-1.75 लाख की आपको कमर्शियल वैन, एक सेकेंड हैंड अच्छी कंडीशन की अवेलेबल हो जाती है जहाँ भी फ्रेंचाइजी खुलेगी. सेटअप कॉस्ट उसके अंदर जितने जो वैक्यूम क्लीनर आना है या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए है, या उसके अंदर अपना कंप्रेशर आना है, ये सारे और टूल्स एंड अदर थिंग्स जितना भी सारा कुछ मिला के अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इज 1.5 लाख. 1 लाख इज द मार्केटिंग फंड, मार्केटिंग कॉस्ट है. दिस 1 लाख रुपए के अंदर आपको 1 साल तक ब्रांड की तरफ से फुल मंथ ऑन मंथ 12 महीनों के लिए आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी. उसके अंदर ब्रांड प्रमोशन हर महीने, लोकल लीड जनरेशन, ताकि आपको मैक्सिमम लोग आपके पास सर्विस के लिए आ सके. उसके लिए आपको स्पेशल लीड जनरेशन की जाएगी ब्रांड की तरफ से, ब्रांड प्रमोशन, उसमें यूनिफॉर्म ऑफ द मैकेनिक्स, और उसके अंदर ब्रोशर्स, लीफलेट्स जो आप न्यूज़पेपर के अंदर डाल सकते हैं, और अपना बिजनेस कार्ड ऑफ द फ्रेंचाइजी पार्टनर, प्रॉपर हैंड होल्डिंग एंड ट्रेनिंग, ऑल दीज विल बी पार्ट ऑफ इट फॉर 12 मंथ्स. एवरी मंथ यू विल बी सपोर्टेड मंथ ऑन मंथ फ्रॉम द ब्रांड साइड. तो उसका द चार्जेस आर 1 लाख रुपीज. द फ्रेंचाइजी फी इज 75K. बट इस कोविड के टाइम पे स्पेशल ऑफर हैज बीन गिवन बाय मिस्टर अविनाश के वी आर मोर देन 50% ऑफ द फ्रेंचाइजी फी को रिड्यूस किया गया है. एंड द टोटल कॉस्ट, जो भी 31 जुलाई से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा, कोई भी LOI साइन अगर कर लेगा 35,000 रुपीज दे के, तो उनको 35 इंस्टेड ऑफ पेइंग 75K, उनको सिर्फ 35,000 के अंदर ही ये फ्रेंचाइजी फी का देना पड़ेगा. तो उन हील बी सेविंग 40K अगर वो 31 जुलाई से पहले इस ब्रांड को रजिस्टर कर लेते हैं अपने साथ. द एग्रीमेंट पीरियड फॉर दिस ब्रांड इज फॉर 5 ईयर्स. एंड द रॉयल्टी इज 5K. इसमें जो ब्रांड है अपना जो रॉयल्टी चार्ज करेगा
मैं एक बारी आपको सारे एक ब्रीफ ब्रांड का दे देता हूँ एंड देन आई विल शेयर ऑल द पीपीटी, पूरा पीपीटी में वन बाय वन आपको शेयर करूंगा, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इसके अंदर जो रॉयल्टी चार्ज करेंगे ब्रांड जो है वो 5,000 रुपए चार्ज करेगा, और वो जो 5,000 रुपए चार्ज करेंगे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ मंथ, क्योंकि अविनाश जी को लगता है कि एज अ जो भी नया बंदा आएगा, हो सकता है ही इज नॉट फ्रॉम द सेम ट्रेड, तो टू अपने वाइबल बनाने के लिए उनको मार्केटिंग और ये सब जो ब्रांड भी अपनी तरफ से करेगा, तो इनिशियली अब ब्रांड की तरफ से ये एक्स्ट्रा इनिशिएटिव है कि हम 3 महीने के बाद जो हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर है उनसे हम जो भी रॉयल्टी चार्ज करेंगे वो फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स चार्ज करेंगे। इसके अंदर एग्रीमेंट पीरियड, जैसे मैंने बताया कि वो 5 साल का एग्रीमेंट पीरियड है, तो हर साल आपका 25% रॉयल्टी की फीस बढ़ जाएगी। जैसे इनिशियली फॉर 1 ईयर इट विल बी 5,000, फॉर नेक्स्ट ईयर उसके अंदर 25% का एडिशन हो जाएगा, तो 5,000 के 25% जो है दैट कम्स टू सवा ढाई का था, एक हजार 250 रुपये उसमें और एड ऑन हो जाएंगे। इसके अंदर आपको वैन के जो भी मोबाइल वैन है यू ब्रांड के तरफ से सपोर्ट एक्स्ट्रा क्या मिलेगी, दैट यू विल गेट अ ट्रेंड मैन पावर, आपको कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, उसको आपको अपॉइंट करने में हेल्प मिलेगी, जहां पे भी जो लोकेशन होगी द लोकल मैकेनिक विल बी हायर्ड उसमें सपोर्ट आपका अगर एंड पे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ब्रांड विल हेल्प फॉर द ट्रेंड मैकेनिक ऑन दैट पार्ट, और एक हेल्पर की रिक्वायरमेंट है इनिशियली, और जो मैकेनिक जो ट्रेंड मैकेनिक है उसकी जो सैलरी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली वेरीज फ्रॉम 15,000 to 20,000 एज पर द लोकेशन, अगर वो टायर वन या मेट्रोज हैं तो हो सकता है वहाँ पे 20,000 रुपये हो, या टायर टू या टायर थ्री सिटी है तो वहाँ पे हो सकता है वो ट्रेंड मैकेनिक आपको 15,000 या 14,000 रुपये में मिल जाए, और जो हेल्पर की कॉस्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली जो सैलरी है दैट वेरीज फ्रॉम 6,000 to 8,000 रुपीज। और जैसे मैंने बताया कि बीइंग अ फ्रेंचाइजी पार्टनर अगर वो दिन में 3 SUVs या 4 SUVs बड़ी गाड़ियां उनके पास आ जाती हैं तो दे कैन सेव अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1400 रुपए एक गाड़ी के ऊपर उनकी सेविंग हो जाती है, सो दे कैन मेक अ रेवेन्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3,000 से 4,000 रुपए का पर डे का रेवेन्यू उसको आ सकता है फ्रेंचाइजी पार्टनर को। जिस बंदे को भी फ्रेंचाइजी मिलेगी तो उसकी एक्सक्लूसिविटी 10 किलोमीटर की रेंज की एक्सक्लूसिविटी होगी उसके लिए। इसका मतलब ये है कि मान लो आपको एक पर्टिकुलर शहर के अंदर जो भी जहां पे भी आप अपनी फ्रेंचाइजी खोल रहे हो तो जहां पे फ्रेंचाइजी खुलेगी उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको एक्सक्लूसिविटी मिलेगी, और उसके अलावा अगर वहाँ पे उसके 10 किलोमीटर की और रेंज में अगर इफ़ देर इज़ नो फ्रेंचाइजी पार्टनर सो उस नॉन एक्सक्लूसिव एरिया के अंदर भी यू कैन गो एंड गिव योर सर्विसेज। तो टेंटेटिवली आपको 10 और 10 एडिशनल 20 किलोमीटर्स का दायरा आपको मिल जाता है आपको सर्विसिंग करने के लिए। इसके अंदर ब्रांड विल गिव द फुल इक्विपमेंट एंड टेक सपोर्ट इनिशियल एंड ऑनगोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे जैसे अगर उसके अंदर जैसे ही जो भी मैकेनिक आएगा या जो पार्टनर हमारे साथ जुड़ेगा फ्रेंचाइजी पार्टनर उसको पूरी इक्विपमेंट्स और टेक सपोर्ट पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, और उसमें एनीथिंग इफ न्यू इज एडेड टाइमली तो ऑनगोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है और उसको फुली इक्विप्ड रखा जाता है मैकेनिक को, सो दैट कोई भी नई चीज एड ऑन होती है तो उसको उसके बारे में उसकी नॉलेज गेन रहती है। इंटीग्रेटेड POS सिस्टम, ऑपरेशंस एंड टैक्स सपोर्ट, ये सारा कुछ उसके अंदर इंटीग्रेटेड होता है जहाँ पे आपको इसके बारे में ब्रांड पूरा सपोर्ट करता है। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर मोबाइल सर्विस जो हम आपको डोरस्टेप सर्विस दे रहे हैं इसके अंदर आपने वैन के अंदर ही आपने पूरा का पूरा एक वर्कशॉप खोल रखी है, तो इसलिए आपकी
सेविंग्स क्या है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप एक वर्कशॉप वैसे खोलते हैं तो आपको उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता, आपको उस जगह का रेंटल देना पड़ता, तो यहाँ पे दैट इज द सेविंग। इसीलिए एक एक छोटे अमाउंट के अंदर, 5 लाख रुपए के अंदर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस, आप यू बिकम अ एंटरप्रेन्योर बाय स्पेंडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज, एंड आपकी सेविंग्स क्या हैं, चाहे वो छोटा शहर हो चाहे बड़ा हो। बड़े के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी और उसका जो रेंटल है दैट इज ऑन हायर साइड, तो इट इज सेविंग पार्ट इन दैट, उसके अंदर भी आपकी सेविंग है। और आज के टाइम में, आज के सिनेरियो में, इफ आई टॉक अबाउट कंपनीज लाइक मारुति, हुंडई एंड अदर कंपनीज, दे आर ऑल्सो कमिंग विद द सेम कंसेप्ट, और आने अगले 5 सालों के अंदर इस चीज का मतलब दैट विल ग्रो लाइक एनीथिंग। तो दिस इज द बेस्ट टाइम अगले 5 साल, एंड विद कार ट्रीट के साथ आपको जुड़ने का यही बेनिफिट होगा, जो चीज़ अगले 5 साल के अंदर और बड़ी कंपनीज लेके आएंगी तो कार ट्रीट ऑटोमेटिकली 5 साल के अंदर बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका होगा उस टाइम तक। और अगर सर्विस वाइज कंपेयर किया जाए तो इफ आई टॉक अबाउट अ गुड ब्रांड, चाहे वो मारुति के शोरूम पे ऑथराइज सर्विस सेंटर पे अगर जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप नॉर्मल एक मारुति या डिजायर की सर्विस कराते हैं, तो नॉर्मल डीजल की गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो 7-8 हज़ार रुपये का बिल बन जाता है, और यहाँ पे वही गाड़ी की आप सर्विस कराते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 25-30% की आपको सेविंग है, प्लस यू विल बी सेविंग 3-4 आवर्स अपने टाइम की भी आपको बचत मिलेगी उसके लिए। इसके अंदर POS सिस्टम के अंदर आपको बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर कार स्कैनर किया जाता है। जब कार सर्विस के लिए कार की सर्विस के लिए जाते हैं तो उसके अंदर कार स्कैनर यूज किया जाता है। उसके उसका बेनिफिट क्या है कि उसके पूरी उसको रीड कर लेता है वहाँ पे सिस्टम और बताता है कि इसको इसके अंदर क्या क्या कमी है। इसी कार स्कैनर का जो ऑथराइज डीलर्स हैं दे आर चार्जिंग अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपीज उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, बट एज ऑफ नाउ कार ट्रीट इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग, दे आर गिविंग द सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट टू देयर क्लाइंट्स। जैसे एक प्रॉपर लैब रिपोर्ट निकलती है, उस तरह की पूरी PDF रिपोर्ट निकलती है कि आपके इंजन के अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आपके एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, और उसमें क्या क्या चीज़ों की रिपेयर की रिक्वायरमेंट है या उसकी सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है, दैट पूरी PDF रिपोर्ट निकलती है, जैसे एक लैब रिपोर्ट निकलती है उस टाइप से। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कि इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इसमें एडवांटेजेस क्या हैं कि आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना, आपको कोई भी रेंटल नहीं देना, आपका टाइम बचता है अप्रॉक्सीमेटली 3-4 घंटों का एज ए कस्टमर, और एज ए कस्टमर आपके जो पैसे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 25-30% आपके चार्जेस भी बचते हैं अगर आप किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाते हैं और आप कार ट्रीट से अगर सर्विस कराते हैं। और सर्विस वाइज आपको जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है उसके इक्विवेलेंट या उससे बेटर ही आपको इस यहाँ पे सर्विस मिलेगी। और इसकी छोटी सी डिसएडवांटेज ये है क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम, बिकॉज यहाँ पे दिन के अंदर 5 या 6 सर्विस ही कर पाते हैं एज ए फ्रेंचाइजी पार्टनर, क्योंकि उनको डिफरेंट लोकेशन, जो उनको 10 या 20 किलोमीटर का दायरा दिया हुआ है तो उसके अंदर उनको डिस्टेंस भी ट्रेवल करना है, तो और इस चक्कर में वो 6 से 7 सर्विस ही कर पाते हैं। बट अगर आपने एक वर्कशॉप खोली हुई है तो वहाँ पे लोग अपने आप अपनी गाड़ी को लेके आते हैं, तो उस टाइम में जो ट्रेवल टाइम बच जाता है तो वहाँ पे 10 से 12 गाड़ियों की सर्विस हो जाती है। बट 5 लाख रुपए लगा के यू कैन अर्न अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज, और जिन्होंने वर्कशॉप खोली हुई है तो वहाँ पे टेंटेटिव वो 15-20 लाख रुपए खर्चते हैं एंड दे आर अर्निंग 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पे अगर 5 लाख की जगह आपने 2 वैन और वो कर दिया तो स्टिल बाय स्पेंडिंग 10 लाख रुपीज यू कैन अर्न द सेम अमाउंट विच अ वर्कशॉप ओनर इज अर्निंग। एक और खुशखबरी की बात है कि आने वाले टाइम में कार ट्रीट इज ऑल्सो कमिंग इन टू द वर्कशॉप मॉडल ऑल्सो, एंड सून जैसे ही वो लॉन्च होगा विल गिव अ ब्रीफ अबाउट दैट ऑल्सो।
एंड द प्रेफरेंस इन दैट केस विल बी गिवन टू द एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी पार्टनर्स. तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देंगे, क्योंकि एक साल के अंदर उनके पास बहुत सारा एक डेटाबेस भी तैयार हो जाएगा भाई, जिन लोगों को उन्होंने सर्विस दे रखी होगी तो उनके अंदर वो और बहुत सारी इंश्योरेंस है, जैसे गाड़ी का या किसी ने एक्सीडेंट हो गया किसी का तो उसको क्लेम दिलवाना है, तो वो उसके लिए यू नीड टू हैव ऑथराइज्ड या एक आपको वर्कशॉप होनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी आप जो जो वर्कशॉप ओनर है वो उसको क्लेम को पास करवा सकता है. So after giving all this brief, now I'll go through the PPT. So it will be easy for you to now to understand whatever है जो भी मैंने आपको brief में इसके बारे में बताया. इसके अंदर services जो हैं वो हैं mechanical repair, cleaning services and regular care. Regular service के अंदर क्या होते हैं, जैसे normal आप engine oil change करा लिया, उसके filters change करा लिए, air filter, oil filter, कूलेंट चेंज करा लिया, प्लस उसकी वॉशिंग हो गई, दिस कम्स अंडर रेगुलर सर्विसिंग जो गाड़ी की होती है. और क्लीनिंग के अंदर वॉशिंग के अलावा आपने उसके अंदर अपना ड्राई क्लीनिंग कराना है, या आपने कुछ भी अलॉय व्हील्स का डिटेलिंग करानी है, या इंजन बे डिटेलिंग करानी है, तो दैट इज ऑल वैल्यू एडेड सर्विसेज जो आप कार ट्रीट से वो भी आप करा सकते हैं. मैकेनिकल रिपेयर के अंदर जो एक्स्ट्रा और चीज़ें हैं वो भी आप इसके अंदर, कोई बड़ा गाड़ी की रिपेयर है तो दैट आल्सो इज बीइंग टेकन बाय कार ट्रीट. अदर सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, जैसे गाड़ी के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो गई, कोई वायरिंग की दिक्कत हो गई, या टेल लाइट या हेडलाइट फ्यूज हो गया, तो वो उसको भी रिपेयर किया जाता है. गाड़ी का अगर पंचर वंचर हो गया तो, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव कंप्रेशर, एयर कंप्रेशर रखा हुआ उन्होंने, तो वहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर है तो उसको वो भी करा देंगे. अगर दूसरा है तो एज अ स्पेशल केस दे कैन हेल्प यू इन दैट केस ऑल्सो, अगर नियर बाय में कोई पंचर वाला होगा तो. किसी को कोई बैटरी की दिक्कत आ जाती है तो दे नीड अ न्यू टू रिप्लेस अ न्यू बैटरी विद द ओल्ड वन, सो दे कैन कार ट्रीट विल हेल्प इन दैट आल्सो. किसी के एसी में कोई दिक्कत आ गई है कि उसमें गैस फिल कराना है, या दे वांट टू टॉप अप कराना चाहते हैं उसको, या उनके एसी को ही रिपेयर करना है, या दे वांट एनी काइंड ऑफ अदर सर्विस, तो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर बाय कार ट्रीट. डेंटिंग, पेंटिंग, क्लच रिपेयर, ब्रेक पैड्स, सस्पेंशन, एक्सल, इंजन की ओवरऑलिंग करानी है, गैस हेड किट रिप्लेस कराना है, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर. जो एक ऑथराइज सर्विस सेंटर के अंदर जो जो सर्विसेज की जाती हैं वो सारे के सारे आपके वहाँ पे की जाती हैं. बेसिक सर्विस ऑफ अ कार के अंदर इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कैबिन फिल्टर, ये सारी चीज़ों को टेक किया जाता है. Now, why car treat franchisee ही क्यों? Because it is a unique model. जो जैसे मैंने बताया कि मारुति हो गई या हुंडई हो गई या और जो अच्छे और जो ब्रांड्स हैं कंपनी के, एवरी कंपनी इज कमिंग इन टू दिस बिकॉज एवरी कंपनी वॉन्ट्स टू रिड्यूस दैट, अपनी कॉस्टिंग को कम करना चाहते हैं और दे वॉन्ट टू गिव डोर स्टेप सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स. तो इसीलिए वो भी बहुत सारी इस मॉडल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आने वाले अगले जो 5 साल हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं इस चीज़ को करने के लिए. सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक फ्रेंचाइजी ऑफ दिस एंड बिकम अ एंटरप्रेन्योर बाय स्पेंडिंग अ स्मॉल अमाउंट एंड अर्निंग द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं इसके अंदर, जैसे मैंने बताया आपको, तीन या चार गाड़ी सर्विस करने पे आपको 3 या 4 हज़ार रुपये अगर बच रहे हैं रोज के, सो अल्टीमेटली इट्स अ गुड आउटपुट बाय स्पेंडिंग टेकिंग द फ्रेंचाइजी ऑफ कार ट्रीट. इसके अंदर जैसे मैंने बताया, द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो भी इसके अंदर जो SOPs बना रखे हैं कंपनी ने, पूरे के पूरे फ्रेंचाइजी पार्टनर और उनके मैकेनिक्स को शेयर किए जाते हैं, और ताकि दे आर फुल इक्विप्ड, उनको पूरी हैंड होल्डिंग, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है हर गाड़ी के बारे में, और ताकि जो भी गाड़ी वहाँ पे रिपेयर आए वहाँ पे एक सेटिस्फाइड कस्टमर ही वहाँ से सर्विस करा के अपना लेके जाएगा. रेगुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ऑल द लेटेस्ट सर्विसेज जो भी है वहाँ पे, तो रेगुलर R&D चलती रहती है. कोई भी नई चीज़ अगर मार्केट में एड ऑन होगी
तो दैट विल बी एडेड इन द पीओएस सिस्टम के अंदर ऐड की जाएगी, वहाँ पे एसओपीज के अंदर भी एड ऑन की जाएगी, ताकि जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं उनको उस चीज़ से अपडेटेड रखा जाएगा और उसको ट्रेनिंग और सारी चीज़ ब्रांड की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। इसमें सपोर्ट जो ब्रांड की तरफ से, जैसे मैंने बताया आपको, ऑनगोइंग ट्रेनिंग, जहाँ पे जो भी मैकेनिक को ऑन बोर्ड लाने के लिए या हेल्पर को लाने के लिए फ्रेंचाइजी को सपोर्ट किया जाएगा। मार्केटिंग, जैसे द ब्रांड इज चार्जिंग 1 लाख रुपीज़ फॉर 1 ईयर, उसके अंदर प्रॉपर मार्केटिंग, उसके ब्रोशर्स, उसका फ्रेंचाइजी पार्टनर के बिजनेस कार्ड, उनकी लीड जनरेशन 1 साल के लिए, सो दैट मैक्सिमम लोग उनके पास विजिट कर सकें, ताकि जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है ही गेट्स गुड रेवेन्यू आउट ऑफ इट। इक्विपमेंट्स और टेक्निकल सपोर्ट में पूरा सपोर्ट मिलेगा उनको, जो भी नई चीज ऐड ऑन होगी उसके बारे में पूरा उनको अपडेटेड रखा जाएगा। पीओएस सिस्टम के बारे में मैंने जो बताया था आपको कि वहाँ पे कार स्कैन की जाती है प्रॉपर ढंग से, जिसके अंदर एक प्रॉपर रिपोर्ट लिखते हैं, पीडीएफ रिपोर्ट निकलती है गाड़ी की, और जो जो चीज़ जो जो गाड़ी के अंदर कमी होती है उस चीज़ को प्रॉपर ढंग से कस्टमर से पूछ के उस चीज़ को रेक्टिफाई किया जाता है। और इस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए बाकी जो ऑथराइज डीलर्स हैं दे चार्ज 1,000 रुपीज़, बट एज ऑफ नाउ कार ट्रीट इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम द क्लाइंट। एडवांटेजेस मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर करी थी, जैसे अ वेल नोन ब्रांड है विद लो स्टार्टअप कॉस्ट, एंड जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है बड़े ट्रांसपेरेंट रखे हुए हैं, मतलब बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, एंड फुल सपोर्ट एंड हैंड होल्डिंग वी विल गिवन फ्रॉम द ब्रांड साइड, ताकि इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ब्रांड एंड द फ्रेंचाइजी पार्टनर। ब्रांड इज गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पीपल टू टेक फ्रेंचाइजी एंड टू टेक द प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी अक्रॉस पैन इंडिया। पूरी सपोर्ट मिलेगी ब्रांड की तरफ से प्री लॉन्च से लेकर लॉन्च के बाद, एंड ऑन गोइंग हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट विल बी टिल द टाइम दैट फ्रेंचाइजी पार्टनर इज इन हैंड विद द ब्रांड। लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न्स, जस्ट बाय पेइंग टोटल कॉस्ट ऑफ 5 से 6 लाख रुपए लगा के, आपको अगर 1 लाख रुपए का रिवेन्यू आपके पास आ रहा है, सो इट इज मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी डील है उसके अंदर। फुल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट आपको इस केस में मिलेगा फ्रॉम द ब्रांड साइड, ऑल द ट्रेनिंग एंड एवरी पार्ट, सो दैट जो मैकेनिक है ही इज फुली इक्विप्ड एंड फुल नॉलेजेबल है जो भी वो गाड़ी की सर्विस कर रहा है। एक्सक्लूसिव टेरिटरी राइट्स मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी फ्रेंचाइजी पार्टनर बनेगा उसको एक्सक्लूसिव राइट 10 किलोमीटर्स के दिए जाएंगे, और उसके अलावा 10 किलोमीटर्स और उसके नॉन एक्सक्लूसिव टेरिटरी के भी राइट्स दिए जाएंगे, अगर उस आसपास के एरिया में कोई भी फ्रेंचाइजी पार्टनर नहीं होगा तो। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इसके अंदर जैसे रिटेल कस्टमर तो आपके पास आ ही रहा है, आप कॉरपोरेट्स अगर जिस एरिया में आपने खोला है, अगर आसपास के एरिया में कॉरपोरेट्स हैं, तो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंपनी ब्रांड आपके लिए कर रहा है, तो दे विल हेल्प यू फॉर द इवेंट ऑल्सो। इन द कॉरपोरेट के अंदर आप इवेंट कर सकते हैं, या आप कोई वहाँ पे कोई फेयर लग रहा है ऑटोमोबाइल का, तो आप उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप ब्रोशर्स डाल सकते हैं, आप लीफलेटिंग कर सकते हैं RWS के अंदर, सोसाइटीज के अंदर, सो दैट यू कैन गेट बल्क ऑर्डर्स फ्रॉम देम, एंड रेगुलर आपको वहाँ पे आप डिस्काउंटेड रेट पे लोगों को, अगर आपको बल्क ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो आप उनके लिए कोई स्पेशल कोई डिस्काउंट भी दे सकते हैं, या आप कोई एड ऑन सर्विस उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बिजनेस मॉडल बताया कि द इन्वेस्टमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 5 से 5.5 लाख रुपए की, और उसका मैंने आपको ब्रेकअप भी बता दिया था कि उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए, 1.5 to 1.75 के बीच में आपको कमर्शियल वैन मिल जाती है, प्लस आपने 1.5 लाख रुपए के आपको इसके अंदर इक्विपमेंट्स एंड सपोर्ट सिस्टम जो भी गाड़ी को सर्विस करने और उसके लिए चाहिए वो लग जाता है। 75,000 रुपए की उसके अंदर आपकी फ्रेंचाइजी फी है, और कोविड का
देखते हुए द स्पेशल ऑफर फ्रॉम द कंपनी साइड इज टिल 31 जुलाई, आपको 40,000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है. सो यू नीड टू पे ओनली 35,000 एंड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड. आप एक LOI साइन कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन साइन द एग्रीमेंट. एंड एरिया इसके अंदर कोई आपको रेंटल नहीं देना, कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मोबाइल डोर स्टेप सर्विस है. पे बैक जो है इसका 12 से 18 महीनों के अंदर जो भी आप दे रहे हैं वो उसके अंदर आपका सारा का सारा पैसा वापस आ जाता है. एंड द ROIs के पर डे के अंदर आप 4 या 5 गाड़ियों की सर्विस करते हैं तो यू अर्न अप्रोक्सीमेटली 3,000 to 4,000 rupees पर डे. ये फ्रेंचाइज अप्लाई की बिजनेस मैगजीन के अंदर अविनाश जी की फोटोग्राफ और उनका अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द ब्रांड एंड द डिटेल ऑफ द ब्रांड इज बीइंग शेयर्ड. थैंक्स टू अशोक जी फॉर गिविंग सपोर्ट टू ऑल द ब्रांड्स एंड स्पेशल थैंक्स फ्रॉम कार ट्रीट ऑन दिस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अविनाश. This is the look of the car. जो वैन है उस पर ऐसे नंबर्स और उस पर कार ट्रीट ब्रांड्स एंड कार वॉश का ऐसे लोगो और स्टिकर लगेगा और इस गाड़ी को पूरा का पूरा अंदर से क्यूब किया जाता है. इसके अंदर 300 लीटर के आसपास पानी और इलेक्ट्रिसिटी 3 kVA तक की इलेक्ट्रिसिटी का जो जेनसेट है उसको वो फिट किया जाता है और वैक्यूम क्लीनर और कंप्रेशर ये सब कुछ इसके अंदर फिटिंग होती है ताकि ये वैन को कहीं पर भी लेके जाते हैं तो उसको वहाँ पर आराम से वो उसको यूज की जा सके. अगर इन केस देयर इज अ ब्रेकडाउन विद द वैन एंड ऑलरेडी यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद द क्लाइंट, उस केस में फ्रेंचाइजी ब्रांड विल हेल्प टू डू 2-3 टैप्स विद द लोकल गुड वर्कशॉप ओनर्स आल्सो. उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, अगर आपको ऑलरेडी किसी को इमरजेंसी है और उसने ऑलरेडी आपके साथ टाइप किया हुआ है तो आप उसको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देकर, क्योंकि आपकी गाड़ी तो ब्रेकडाउन में है तो बट आपको सर्विस देनी है क्लाइंट को, आप अपना नाम नहीं खराब करना चाहते, तो उस केस में जो अच्छे उस शहर के 2-3 अच्छे वर्कशॉप ओनर्स होंगे तो उसके साथ ब्रांड का टाइप किया जाएगा ताकि इमरजेंसी में उनको कोई हेल्प चाहिए हो तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम आल्सो. सो दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ मिस्टर अविनाश सिंह for any further queries and for franchisee details and franchisee partner banne ke liye 7428144141 is the number of Mr. Avinash, who is the owner and who is the CEO and founder of this brand Car Treat. You can contact him anytime or Avinash Singh Riyat @gmail.com unka ईमेल आईडी है एंड हेड ऑफिस इज इन गगन विहार दिल्ली. थैंक्स फ्रॉम माय साइड एंड नाउ ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द पार्टिसिपेंट्स. हेलो हेलो यस मिस्टर मनिंदर. हाँ जी अशोक जी. Yes, it's over from my side. Now we can go for question answer session and if anybody is having any query they can ask me. Thanks a lot Mr. Muninda. Dear participants, if you have any query, any question, please raise hand in chat box and you can ask your question to Mr. Muninda. Agar aapko koi question hai ya query hai तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर मुनिंदर से आप बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज का सॉल्यूशन ले सकते हैं. एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके अपना नाम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपनी मेल आईडी जरूर ड्रॉप करें और अपना लोकेशन भी. सर विवेक माथुर जी हैं गाजियाबाद से. हाँ जी. उनका क्वेश्चन है कि
जो फोर व्हीलर जो प्रोवाइड होगा वो खुद परचेस करना पड़ेगा या आप परचेस करके देंगे उनको? ओमनी वैन की बात करना चाह रहे हो? हम ये क्लाइंट के ऊपर ही छोड़ रखा है, हो सकता है क्योंकि OLX के ऊपर आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जहां पे उनको अच्छी, हम उसको हेल्प आउट कर देंगे जब उन्होंने 3-4 गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर देंगे, तो उसमें उसको उसमें से फाइनलाइज करने के लिए वी कैन हेल्प हिम। हेलो, यस मिस्टर महेंद्र, यस 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 मिस्टर, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्लाइंट जो भी फ्रेंचाइजी पार्टनर बनेगा, हम उसको जब वो 4-5 गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर देगा तो उसमें से को जो भी बेस्ट गाड़ी होगी, जो भी कमर्शियल गाड़ी बेस्ट होगी, उसको हम उसको वो कर देंगे। अगर वो प्राइवेट गाड़ी होगी तो उसको कमर्शियल कराना पड़ेगा, अदरवाइज 99% उस शहर में बहुत सारी ऐसे कमर्शियल गाड़ियाँ होंगी जो लोग सेल आउट करना चाहते होंगे, उसमें से जो बेस्ट गाड़ी होगी, ताकि क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी ऑन द ट्रैवल, चलना है क्योंकि मोबाइल है तो चलते ही रहना है, तो हम 10-20 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में विल टेक अ गुड क्वालिटी वैन, ताकि आपको उसका ब्रेकडाउन का वो ना करना पड़े आपको, बट वी लीव इट टू द क्लाइंट इटसेल्फ। थैंक यू मिस्टर मुनिंदर। सर, वी हैव अनदर क्वेश्चन, मिस्टर दिनेश है आगरा से, वो जानना चाह रहे हैं कि हाउ विल यू प्रोवाइड द लीड्स? लीड्स सर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और अपना फेसबुक पेज और जितने भी आजकल डिजिटल के सपोर्ट हैं अपना, उसके ऊपर आपको पूरी लीड्स मिलेंगी। जो भी हमारे पास, मान लो हमारे पास सेंट्रलाइज CRM है, तो हमारे पास जहाँ से भी लीड्स जनरेट होंगी, तो जहाँ जहाँ के हमारे चैनल पार्टनर्स होंगे, विल शेयर ऑल दोज लीड्स टू द कंसर्न्ड फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, एंड ऑन गोइंग प्रोसेस रहेगा, बिकॉज वी आर टेकिंग 1 लाख रुपीज फ्रॉम द फ्रेंचाइजी पार्टनर फॉर 1 लाख जो 1 साल के लिए, तो उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि हर जगह पे अलग अलग लीड जनरेशन करने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर वहाँ पे कोई कॉर्पोरेट्स हैं तो कॉर्पोरेट्स के लिए के साथ टाई अप करने के लिए आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, तो ब्रांड विल बी देयर। आपको वहाँ पे कोई ब्रोशर या कोई कोटेशन भेजनी है तो उसमें भी हमको हेल्प आउट करेंगे। आपको आपका बिजनेस कार्ड बनेगा, आपके ब्रोशर्स, आपके लीफलेटिंग कराना चाहते हैं RWS के अंदर, आप कहीं ऐड कराना चाहते हैं, आप कहीं वहाँ पे कनोपी एक्टिविटी कराना चाहते हैं, तो वी कैन हेल्प यू इन ऑल दीज डिफरेंट। जैसे मैंने बताया कि कहीं पे बैनर, जैसे इफ आई टॉक अबाउट गाजियाबाद या आउटस्कर्ट के जो एरियाज हैं हरियाणा के अंदर, वहाँ पे आप बैनरिंग भी कर सकते हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट मेट्रोज या दिल्ली, वहाँ पे बैनर्स अलाउड नहीं है, आपको चलान कट जाता है वहाँ पे। तो जो फैसिलिटी जहाँ पे होगी जिससे मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है, सो विल ट्राई टू डू ऑल दोज मार्केटिंग एक्टिविटीज, सो दैट इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ब्रांड, क्योंकि उससे ब्रांड की पेनिट्रेशन भी बढ़ रही है और फ्रेंचाइजी पार्टनर के पास लीड्स आएंगी, तो अल्टीमेटली वी विल आल्सो गेट सम रेवेन्यू आउट ऑफ इट। थैंक यू मिस्टर मुनिंदर। डियर सर, प्लीज ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट नंबर इन चैट बॉक्स, सो वी विल कॉन्टैक्ट यू आफ्टर दिस वेबिनार। सर, वी हैव अनदर क्वेश्चन, मिस्टर नीरज जबलपुर से हैं। हाँ जी, मिस्टर नीरज का क्वेश्चन है कि एनी लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर रन दिस बिजनेस? इसके अंदर जो भी सपोर्ट चाहिए होगा, इसके अंदर वैसे तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, इसके अंदर लाइसेंस की जो अगर जरूरत होगी तो ब्रांड आपको उसके बारे में गाइड कर देगा। जैसे हमने अलाहाबाद या कहीं और पे कर रखा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऑलरेडी पुलिस वालों के साथ सेटिंग है, तो वहाँ पे हमारे को इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर इसकी जो भी इसका रिक्वायरमेंट होगी तो उसके बारे में अपडेट किया जाएगा, और उसमें ब्रांड की तरफ से भी सपोर्ट जो होगी, बिकॉज वैसे तो हम आपको पूरा पेपर वर्क, उसमें पूरी डिटेलिंग दी जाएगी। वंस द LOI इज बीइंग साइंड, वी विल शेयर ऑल द जो जो इसकी लाइसेंसिंग की रिपोर्ट आपको चाहिए होगी, तो हम आपसे शेयर करेंगे उसके लिए। थैंक यू मिस्टर मुनिंदर। डियर पार्टिसिपेंट्स, रिक्वेस्टेड यू ऑल प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स, और अगर आप चाहें तो आप भी डायरेक्ट मिस्टर मुनिंदर जी से बात कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
Mr. Maninder, we have another question. Mr. Manoj Bhargav. Yeah. Manoj Bhargav hai Bharatpur se. वो जानना चाह रहे हैं कि व्हाट्स योर रॉयल्टी चार्जेस. रॉयल्टी चार्जेस जैसे मैंने सर आपको पहले बताया कि रॉयल्टी चार्जेस बड़े नॉमिनल से रखे हुए हमने, और इसके अंदर पहले 3 महीने तक हम फ्रेंचाइजी पार्टनर से कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं. विल बी चार्जिंग 5,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम 4th month, क्योंकि पहले 2-3 महीनों के अंदर काम को सेट करने में टाइम लगता है. तो अदर ब्रांड्स पहले मंथ से भी चार्ज कर देते हैं, बट यहाँ पे अविनाश जी ने थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ फॉर द फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, एंड दे चार्ज एक नॉमिनल सी रॉयल्टी फी लेंगे फ्रॉम 4th month 5,000 रुपये. पहले 1 साल के लिए 5,000 रहेगी, अगले साल उसमें 25% 5,000 का 25% उसमें एड ऑन हो जाएगा. तो उसमें 2,500 का आधा उसमें और एड ऑन हो जाएगा उसमें. तो 1,250 रुपये और एड ऑन हो जाएंगे. तो अगले साल की जो रॉयल्टी होगी दैट विल बी 6,250 रुपीज. ऐसे ही फिर उसके ऊपर तीसरे साल फिर 25% एड ऑन हो जाएगा. सो दिस विल गो अप्रोक्सीमेटली वो 8,500 रुपये पे 5 साल तक पहुंचती है. उसके बाद इट विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि 1 साल के बाद तो एक अच्छा डेटाबेस फ्रेंचाइजी पार्टनर के पास तैयार हो जाता है. बट हमने बड़ा नॉमिनल सा फ्रेंचाइजी फी रखा हुआ है, सो दैट इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, और हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ऊपर विश्वास रखते हैं. डियर पार्टिसिपेंट्स, कार ट्रीट एक बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में चाहे तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. और अभी और 31st तक हमने जो फ्रेंचाइजी फी जो 75K है उसमें से हमने मोर देन 50% 40,000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट दे रखा है. जो भी 31 जुलाई से पहले इसमें LOI साइन कर लेगा बाय पेइंग 35K तो उनको 40,000 रुपये का एक्स्ट्रा और बेनिफिट मिल जाएगा इसमें. वेरी नाइस मिस्टर मुनिंदर. डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हैं और ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. Yes, Mr. Maninder, we have another question. Mr. Nagar Das. Yeah. Mr. Nagar Das, CT, उन्होंने mention नहीं किया है. अच्छा. उनका question है कि any loan support, आपकी तरफ से कोई loan support मिल सकता है उनको, कि अगर project report आप दे पाएं उनको और वो bank से loan ले सकें? सर, पहली बात तो हमारा जो project है उसकी cost ही इतनी ज़्यादा नहीं है, but उस केस में अगर उनका सिबिल स्कोर अच्छा होगा, सिबिल स्कोर, तो ऑटोमेटिकली वी कैन हेल्प देम इन दैट केस आल्सो. क्योंकि आज के टाइम में तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज सरकार की तरफ से भी निकली हुई हैं जहाँ पे उनको एंटरप्रेन्योरशिप या आत्मनिर्भर बनने के लिए देयर इज लॉट ऑफ स्कीम्स फ्रॉम द अपना गवर्नमेंट के और उसकी तरफ से भी हैं, सरकार की तरफ से भी हैं. क्योंकि हर स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, तो वो कौन से जगह से हैं वी नीड टू क्रॉस चेक. क्योंकि हरियाणा की अलग स्कीम है, दिल्ली के लिए अलग स्कीम है, तो जो वो स्टेट वाइज स्कीम्स होती हैं उसके, तो उसको थोड़ा स्टडी, बिकॉज ही इज फ्रॉम द जो क्लाइंट होगा वो लोकल वहाँ के होंगे, तो अगर वो हमारे को हेल्प आउट कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ लिंक हम निकाल के उनको हेल्प कर सकें उसके. यस, मिस्टर आदित्य प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए. मिस्टर आदित्य प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए. मिस्टर आदित्य, आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट
If you have any query, any question, please raise hand in chat box and you can ask question to Mr. Maninder. और मैं हमारे नए पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. यस यस प्लीज. हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आप ऑडिबल हैं सर, बताइए सर. हाँ जी सर, बताइए. हेलो मिस्टर आदित्य, शायद आपने अनम्यूट नहीं किया था अपनी तरफ से, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए दोबारा अपनी तरफ से. हेलो. हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बताइए. सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ. हेलो. हाँ जी, हाँ जी, बताइए, कौन बोल रहे हैं सर? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को. मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, हेलो. यस डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है अगर उनमें कोई क्वेश्चन है या क्वारी है तो प्लीज आप मिस्टर मुनिंदर जी से बात कर सकते हैं. इसकी एडवांटेज मैं एक बारी दोबारा बता देता हूँ. आपकी एक तो इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो, आप 5 लाख रुपए के अंदर विद रिस्क फैक्टर आपका सिर्फ 35,000 रुपए का है, क्योंकि वैन भी आपके पास ही रहेगी, जो इक्विपमेंट्स उसके अंदर लगने हैं वो भी आपके पास ही रहेंगे. तो आपने सिर्फ उसके अंदर 35,000 रुपए जो फ्रेंचाइजी फी दे रहे हैं, जो 31 जुलाई से पहले आप रजिस्टर कर लें, सिर्फ उसी का आपको एक वो है, अगर आप रिस्क को मानते हैं तो. अदरवाइज हम एज अ ब्रांड हमारी तरफ से 0% रिस्क है. रेंटल आपको नहीं देना बिकॉज आप कोई जगह पे वर्कशॉप नहीं खोल रहे, इट इज़ ए मोबाइल डोरस्टेप सर्विस. आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना आपको, आपका लो इन्वेस्टमेंट है. प्लस कंपटीशन के हिसाब से अगर मैं ब्रांड जो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स हैं उसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो आप उसमें क्लाइंट के 25-30% तक की आप सेविंग कराते हो एंड यू गिव. और ब्रांड की तरफ से जो मैकेनिक हैं प्लस फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं प्लस जो भी हेल्पर है उसको फुल फ्लेज आप पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट ही इज गिविंग द बेस्ट सर्विसेज टू द क्लाइंट्स. क्योंकि एक सेटिस्फाइड क्लाइंट होगा तो अगले वो 4 और रेफरेंस देगा कार ट्रीट को. सो बिलीव इन लॉन्ग टर्म रिलेशन विद द क्लाइंट ऑल्सो एंड विद फ्रेंचाइजी पार्टनर. कार ट्रीट ऑल्सो wants to make long term relationship. Anybody else wants to ask any question? Mr. Aditya, आपसे request है, please आप अपना question chat box में drop कर दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पे network error आ रहा है sir. हेलो. या प्लीज सर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सर कल मेरी. हेलो, बताइए बताइए, आपकी आवाज आ रही है. सर कल मेरी गाड़ी खराब हो गई. आपकी गाड़ी खराब हो गई? ठीक है. मिस्टर आदित्य प्लीज आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए. डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 3 मिनट लेफ्ट. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर मुनिंदर से बात कर सकते हैं, या फिर आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. मिस्टर मुनिंदर के नंबर भी अभी आपको बताए जाएंगे, तो आप डायरेक्ट मिस्टर मुनिंदर से बात भी कर सकते हैं आफ्टर दिस वेबिनार. I've also shared the number of Mr. Avinash Singh on the screen.
डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 2 मिनट लेफ्ट. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं या अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी चैट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें. यस, ओवर टू वर्षा. थैंक यू सर. थैंक यू मुनिंदर सर. डियर पार्टिसिपेंट, आज हमने इंडियाज ग्रोइंग एंड वेल नोन डोर स्टेप कार क्लीनिंग सर्विस ब्रांड कार ट्रीट की फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर मुनिंदर जी से जाना. एंड वी होप कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा. अगर आपको इस ब्रांड की फ्रेंचाइज बनकर एक अशोर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज आप डायरेक्ट कार ट्रीट टीम से इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. प्लीज नोट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर, इट इज 7428144141. आई रिपीट अगेन, 7428144141. डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार को अगेन देख सकते हैं. एंड रिक्वेस्टेड टू यू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर कॉन्टेक्ट नंबर एंड नेम विथ सिटी इन चैट बॉक्स सो वी कैन कॉन्टेक्ट टू यू. And a warm thanks to Mr. Munindar ji for addressing today's webinar session. And thanks to all participants for attending today's webinar session. Thanks to Ashok ji and entire Franchise Apply team for giving the opportunity to Cartreat for sharing our webinar and PPT with all the participants. Thank you. Thank you, Munindar sir. Thank you so much. Thank you very much.